सैयद भाई आपका असल नाम तो मोहम्मद दीन है, लेकिन ये साहिब साहिब से आपको नजर आई, ये कैसे? यार मेरे बेटे का नाम है रिंग। कैसे? रिंग हमारी कौम है, खास कर बलोच है ना, बलोचों का जो सबसे बड़ा तबका है वो रिंग है। ठीक है, हमारे अजदाद जो है वो रिंग है, रिंग बलोच। ठीक है, इसी तरह कोई जलवाड़ी बलोच है, कोई चांदिया बलोच है, तो हम रिंग बलोच। आपका वैसे तल्लक किस सिटी से है? बहावलपुर की तहसील अहमद कुशी की। कौन कौन से मतलब मुसफर दूर दूर पे आने के लिए किन किन मुश्किल का आपको सामना करना पड़ता है? जिन मुश्किल का सामना आपको ऐसे ही सबसे यूट्यूबर जो जितने भी है ना, जो भी स्टार्ट करते हैं ना, तो सबकी जितनी एक जैसी होती है। आपको कामयाब होने के लिए कितना अच्छा तरीका है? कामयाब यार कितना अच्छा सफर कर लोगे जी? 12 साल लगे, 12 साल लगे हाँ, तो जाहिर है मुझे इंग्लिश आती तो तब मैं कुछ करता ना, पहले मैं आप नहीं सीखी। आपको उर्दू भी अच्छी आती है, लेकिन आपकी एडिटिंग वगैरह कौन करता है? सारा कुछ मैं करता हूँ, ये आप टाइटल भी आप देख सकते हैं। आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा नहीं हो तो फिर यूट्यूब से पढ़ लेंगे ना। अच्छा अच्छा, यूट्यूब नहीं देखे ना, मैंने तो अपने वीडियोज में बताया हुआ है कि 6 क्लास करने की क्या रेपोजिशन हो सकती है, लेकिन माशाल्लाह जिसको अल्लाह ने सर। आप अपनी वीडियो मोबाइल से पोस्ट करते हैं या आपका पूरा पूरा सेटअप वगैरह है, लैपटॉप वगैरह? मुझे लैपटॉप पीसी चलाना ही नहीं आता सर, सारा काम अपना मोबाइल। आप देख सकते हैं कि सारी जो भी है लेकिन वो मोबाइल में ही करनी होती है। आपसे मुलाकात बहुत अच्छा, ये कोई एक मतलब है कि शामद वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है जी। ट्विटर पर कोई पैसे नहीं लिए इन्होंने। भाई आप कहाँ से आए हैं? भाई साहब इवाल से मिलने। आपके चैनल का नाम क्या है? अखिल बलोच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। माइक भी ले लें आप लोग सर। माइक है जी मेरे पास है जी, वो घर जल्दी से आती है। कुछ यूट्यूब ऐसे भी होते हैं जो जल्दी में आते हैं, माइक भी छोड़ो। हाँ छोड़ना पड़ता है। मन वगैरह तो उन्होंने रख लिया जी, मतलब कि आपने गिम्बल नहीं लगा लेके आना है जी, बार बाबा फ्रीद। अच्छा ये इस मामले में मैं ठीक है, मैंने पर्स में छुपाया हुआ था, मैं ऐसे इधर आ